इस टाइम लुक ओ भाई क्या मस्त लग रही है भाई। भैया मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नमस्कार। हेलो भैया। भाई एक हफ्ता ना स्टेमिना बना के जवाना। मैं सबसे ऊपर माँ को मानता हूँ, उससे ऊपर किसी को नहीं मानता। मम्मी ने इतनी मेहनत करी यार, मजा आ गया। पानी इकट्ठा हो रहा एकदम साफ साफ सा, ये मस्त करके। हाय हेलो। सो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। भाई देहरादून का लड़का आज जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये तो नहीं पता है भाई, लेकिन भाई ने बताया एक रिवर है जहाँ पे जा रहे हैं, और आज अपनी मम्मी को भी लेकर के जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम लोग? मालूम नहीं किधर जा रहे भाई, नहाने जा रहे हैं, और आज मैं अपनी मम्मी को भी लेकर जा रहा हूँ। खाली मम्मी नहीं जा रही है, पूरी फैमिली जा रही है। एक्चुअली एक कार तो निकल चुकी है भाई अपनी पूरी फैमिली भर करके, और अब मम्मी रह गई है, मैं रह गया हूँ, और सक्षम रह गया है। गाइस जिमनी का लुक देख लो, लुक देख लो भाई, फर्स्ट टाइम लुक, ओ भाई क्या मस्त लग रही है भाई। भूख लगी जोर की भूख लगी। गाइस पूरा आधा घंटा लग गया मेरे को इस जाम से निकलने में भाई, सिर्फ मतलब लाल पुल से लेकर और प्रिंस चौक तक पहुंचने में। कहने का मतलब है भाई देहरादून में जाम बहुत ज्यादा हो चुका है भाई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आओ आओ अंकल जी, आओ आओ। और इसको कहते हैं भाई झाड़ से निकले और झुंड में फंसे। ये तो क्लॉक टावर है भाई, यहाँ पर तो हर तरफ का ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है भाई। मेरे दोस्त चालान कटवाओ सुबह सुबह। हो गया पंगा हो गया भाई, सुबह सुबह पंगा। उल्टी साइड पंगा। खैर अपन लोग बात कर रहे थे भाई देहरादून के ट्रैफिक के टॉपिक को रखते हैं भाई साइड में, और अपन लोग पहुंच गए ट्रैफिक फ्री वाली जगह पर, यानी कि पहुंच गए भाई जाखन वाली रोड पर। लेकिन मुझको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भाई कि आज ना बारिश होने वाली है और हमारा पागल बनने वाला है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये बात तो मुझको भी नहीं पता भाई, क्योंकि आज मैं अपने भाई को फॉलो कर रहा हूँ। भाई ने बोला है कि भाई एक नदी है और वहाँ पर चलते हैं, वहीं पे बैठेंगे भाई, खाना वाना बनाएंगे, लंच वंच बनाएंगे, मैगी वैगी बनाएंगे और मस्ती करेंगे। तो मैंने बोला भाई तुम चलो और मैं आया। यानी कि वो लोग कार से निकल चुके हैं और मैं, मम्मी और सक्षम, मतलब तीन लोग अपन लोग बाइक से आ रहे हैं। तो भाई अपने ब्लड में तो भाई बाइक राइडिंग लिखी हुई है, लगभग 50 साल की उम्र तक तो भाई तुम्हारा भाई बाइक राइडिंग करने वाला है। तो जल्दी आपको भाई हो सकता है कि एक दूसरी बाइक देखने को मिले, जल्दी अपनी बाइक स्विच होने वाली है। यानी कि ओ भाई साहब इतना जाम, ओ माय गॉड इतना जाम कहाँ से आ गया भाई। अभी जस्ट बात चल ही रही थी भाई कि देहरादून में उस जगह पहुंच गया हूँ कि भाई जहाँ पर जाम नहीं मिलता है, लेकिन भाई मैं गलत था, यहाँ पर तो और ज़्यादा जाम मिल गया। तो ये वाली जो चढ़ाई है ना भाई बहुत ही औसम लगती है भाई, गाड़ी में जितनी भी रेस है ना पूरी खोल दो, पूरी भाई चलती ही नहीं है, एकदम खड़ी चढ़ाई है एक्चुअली ये ना। व्यू चेक करो भाई क्या मस्त वाला व्यू आता है ना। लोकेशन तो बाद में डिस्क्लोज कर देंगे यार, पहले आप मजे ले लो भाई वीडियो के। ओए क्या मस्त मस्त नज़ारे हैं अपने देहरादून के आसपास। मम्मी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया। तो भाई पीछे अभी आपको दिख रहा होगा बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है, इधर भी देखो भाई क्या मस्त सी प्यारी सी लोकेशन है। और भाई अपनी कार से पहले भाई तुम्हारा देहरादून का लड़का पहुंच गया है, थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग करके, हालांकि मम्मी ने डांटा नहीं, मारा नहीं, मतलब अच्छा हुआ बच गए। थोड़ा तेज गाड़ी चलाई हुई थी लेकिन मम्मी पकड़ के बैठी हुई थी मस्त करके। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे आकर ना पोपट कटने वाला है भाई। भाई ने बोला है कि यहाँ पर आकर के चेक कर ले कि भाई पानी कहाँ पर है, और मुझको तो पूरा सूखा सूखा दिख रहा है, इधर तो कहीं पानी दिख नहीं रहा है। और इस लोकेशन पर मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो इस साइड आया ही नहीं था अभी तक। तो अभी भाई आ रहा है, भाई देखता है कहाँ पर बताने वाला है कि यहाँ पर नदी है एक, कि जिसमें पानी था, शायद उसने देखी होगी, उसमें पानी देखा होगा। हाँ भाई अपनी गाड़ी आने लगी है, दूर से दिखाई देने लगी है अपनी गाड़ी आ रही है। वो देखो भाई इतनी दूर से आ रही है अपनी गाड़ी, वो दिख रही होगी, मतलब दिख नहीं रही होगी, खैर गोप्रो में तो बहुत छोटी सी दिखती है। खैर आ चुकी है भाई अपनी गाड़ी, और अभी देखो अभी पूछता हूँ इससे भाई पानी कहाँ पर है। अपना तो यहाँ पर पागल बन चुका है भाई, यहाँ पर तो पानी नहीं है। तो भाई जैसा मैंने कहा था भाई देखो पोपट कट चुका है, भाई साहब चल चुके हैं यहाँ से अपनी कार लेकर के भाई, और कैमरे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पहले ही मतलब मैंने किसी से पूछ लिया था कि भाई यहाँ पर पानी है क्या, तो एक लड़के ने बोला कि भाई मुंह धोने का पानी है यहाँ पर। देखो छोटा सा मुँह हो गया मेरे बंदों का। वहीं चले जहाँ पे पिछली बार लेके गया था आपको, वहाँ चले शिखर फॉल चले। तो भाई ये जो जगह है वो वही पड़ती है, शिखर फॉल के पास ही पड़ती है। और भाई जहाँ तक मुझे पता है भाई देहरादून में बहुत ज़्यादा पानी सूख चुका है, इस साल तो बहुत ज़्यादा सूखा है भाई, गर्मियों में पानी है ही नहीं भाई मेरे। तो चलते हैं फिर शिखर फॉल चलते हैं भाई पूरी फैमिली को लेकर के आज। तो भाई अब जो है अपनी सिस्टर बैठेगी अपने साथ बाइक पे, मम्मी बैठेगी भाई कार के अंदर, और उधर तो खैर मस्तीबाज बैठे हैं, सारे के सारे मस्तीबाजों को करते हैं साइड। और अब अपना भाई छोटा व्लॉगर भी अपने साथ बैठेगा, छोटे व्लॉगर हंस के दिखा पहले, हेलो तो कर दो।
अच्छा ऐसे हेलो होती है। चलो फिर निकलते हैं, आओ। सो भाई फाइनली जो है भाई शिखर फॉल के लिए प्लानिंग बनी है, और शिखर फॉल बेस्ट प्लेस है भाई इस वक्त के टाइम में, ऐसे गर्मियों के टाइम में ना भाई शिखर फॉल से अच्छी जगह नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। फैमिली हो या कुछ भी हो, शिखर फॉल। अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं भाई शिखर फॉल की पार्किंग में, और कार की पार्किंग जो है कुछ इस तरह से करके है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप कार से आना चाहते हो, फैमिली के साथ आना चाहते हो, तो भाई आ सकते हो, बेस्ट प्लेस है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि देहरादून में सिर्फ यही प्लेस बचा है जो बेस्ट है, साथ में दो तीन प्लेस और है वो भी कवर कर लेंगे अपन लोग। सहजदारा अच्छा नहीं है, सहजदारा बढ़िया नहीं है। तो यहाँ की जो पार्किंग है भाई 50 रुपये पार्किंग है, यहाँ पर बाइक पार्क करके या कार पार्क करके, सॉरी बाइक का जो है वो फ्री है, वो आप रोड पर लगा सकते हो। कार पार्किंग जो है 50 रुपये, उसको पार्क करने के बाद आप शिखर फॉल का ट्रैक शुरू कर सकते हो। पानी नीचे नहीं, पहाड़ पानी तो पहाड़ों से आता है ना, तो पहाड़ों से आ रहा है, फिर नीचे नीचे करके नदी बन गई और उस नदी में लोग नहाते हैं। तो भाई ये देखो भाई, अपनी मम्मी के साथ अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है भाई, इधर से अच्छा आता है भाई, इधर रुक जाओ सारे के सारे, आ जाओ पहले एक बारी। ये देखो भाई कितनी भीड़ लेकर के आया आज देहरादून का लड़का, कितने सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, और भाई भी पीछे रह गया। और उधर आगे वो देखो सैम को पूरा रास्ता पता है ना, वो भागा जा रहा है, भागता जा रहा है, उसको पूरा रास्ता पता है, वो अभी आया था कुछ टाइम पहले। ये वाला ट्रेल जो है ना पास करने में देखो इनको कितना ज्यादा डर लग रहा है। गाइस ये चेक करो भाई, यहाँ पर भी भाई पानी इकट्ठा हो रखा है। अगर आपको पूरा ट्रैक नहीं करना है ना, तो भाई यहाँ पर भी आप मजे ले सकते हो, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। बढ़िया वाला पानी इकट्ठा हो रखा है एकदम साफ साफ सा, ये देखो मस्त करके। हाय हेलो। तो भाई यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो ना, तो बहुत स्टेप वाइज आपको झरने मिलते रहेंगे, कम पानी ज़्यादा पानी और फिर सबसे ज़्यादा पानी। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। गाइस एक चीज़ बताता हूँ, देखो चलते चलते ना एक चीज़ बताता हूँ, देखो अपने बड़े भाई के कंधे पे हाथ रख लिया मैंने, ठीक है। अपन दोनों की शादी हो चुकी है, आपकी शादी कितने टाइम पहले हुई भाई? 12 साल पहले 12 साल, और मेरी शादी 1 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है अब तो खैर। और तब के बाद भी अभी भी अपन लोग पूरी फैमिली की जो है ना गेट टुगेदर है भाई, एक साथ है, कोई ज़्यादा लग गया मुँह पे। तो भाई गेट टुगेदर है अपनी फैमिली, तो यार अपन मतलब बहुत कम फैमिली ऐसी होती है भाई जो शादी के बाद जो है ना एक साथ एकजुट होकर के मिल करके रहती है। बाकी ये फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, तो ऐसी बहुत कम फैमिलीज होती है भाई। और मैं चाहता हूँ यार जैसी मेरी फैमिली है ना, उनमें से एक आपकी फैमिली भी हो यार, और ये तभी हो सकता है जब आप दोनों भाइयों की फाउंडेशन अच्छी हो भाई, दोनों भाइयों में फाउंडेशन बहुत बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपन लोग फालतू देखो बात नहीं करते हैं, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं यार, तो यही कुछ वजह होती है जिनसे फैमिली एकजुट होकर के रहती है यार। और जब ऐसी फैमिली हो ना भाई, तो सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, एक ना एक दिन तो हो ही जाएंगे। तो भाई इधर मम्मी भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके दिखा रही है, ओह माय गॉड चप्पल निकल गई मेरी। मम्मी भी भाई थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखा रही है भाई, चल रही है मम्मी भी। अगर इधर करूँगा ना तो थोड़ा सा अंधेरा आएगा भाई, मैनेज कर लेना। तो मम्मी भी भाई बहुत मतलब यार, एज कितना हो गया मम्मी आपका? 55 एज हो चुकी है यार। तो अपना सबसे अच्छा लाइफ का बेस्ट पार्ट है कि मेरी मम्मी ना भाई ट्रैवल कर सकती है और चल सकती है भाई, बाइक पे बिठा करके लाया था एक साइड से। तो मैं अभी मम्मी को, जबकि कितनी गंदी रोड पड़ती है पता है, बहुत गंदी रोड पड़ती है, तो अपन लोग खुशकिस्मत है यार कि अपनी मम्मी अभी ट्रैवल कर सकती है, और आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाना है मम्मी को। थक गए भाई, मैं भी थक गया, देहरादून का लड़का भी थक गया, और सिस्टर भी थक गई भाई। सच में थोड़ी सी चढ़ाई तो है, खड़ी चढ़ाई है। इधर से आ रहे देखो भाई लोग भी आ रहे हैं, थकान तो नहीं हो रही है? नो बिल्कुल नो। तो ऐसे धीरे धीरे करके चलते रहेंगे यार, बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। 58 मम्मी ने 55 बताई थी, और बता रही है मम्मी 58 एज है। और भाई यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो भाई नेटवर्क फोन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यानी कि दुनिया भर की टेंशन दूर करके आना, बिल्कुल अपने व्हाट्सएप वगैरह को क्लोज करके आना, यहाँ पर नेटवर्क किसी भी सिम का नहीं आता है। भैया मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नमस्कार। हेलो भैया। भाई एक हफ्ता ना स्टेमिना बना का जमाना घर पर। पहले यहाँ पे आने से पहले मतलब तैयारी कर लेना भाई पैदल चलने की, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, लेकिन जब आप लोकेशन पर पहुँचोगे भाई मज़ा आ जाएगा, मज़ा एकदम झक्कास। हमारी बोतल और गाइड का काम कर रहे हो, आपको सारा रास्ता कैसे पता है? कब आए थे आप? 2 दिन पहले ही आया था। 2 दिन पहले आया था, मतलब एक हफ्ता पहले आया था बंदा। और भाई सबको गाइड का काम कर रहा है, सबके सब पीछे हैं। और ये देखो पिद्दू से कैसे भागे जा रहा है। तेज भाई चंट है, सच बता रहा हूँ कि दिन ब्लॉगर बनाऊंगा इसको बहुत बड़ा। गाइस सच बताओ ना यार, मम्मी मतलब फर्स्ट टाइम है मम्मी का इस तरह से यार, थक गई है मम्मी वहाँ पर है, और सारे बच्चे जो है आगे पहुँच चुके हैं, सभी लोग आगे पहुँच चुके हैं यार, बस मैं रह गया हूँ और मम्मी रह गई है पीछे। माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार, माँ के अलावा मतलब दुनिया में मैं सबसे ऊपर माँ को मानता हूँ, उससे ऊपर किसी को नहीं मानता। आप किसी को भी मानते होंगे भाई,
मैं नहीं मानता, माँ सबसे पहले है। और सच में माँ को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाना है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाना है, ऐसी ऐसी जगह दिखानी है मतलब जहाँ पर इजी टू रीच हो, आराम से पहुँच सके कार में बैठ करके। बाइक पे तो इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर पाएगी मम्मी। बाकी ये देखो वैष्णो देवी की पूरी तैयारी चल रही है, वैष्णो देवी की चढ़ाई की तैयारी करवा रहा हूँ आपको। वैष्णो देवी की चढ़ाई की तैयारी मतलब नेक्स्ट जो प्लान समझ सकते हो आपकी, मतलब फैमिली प्लान जो है वैष्णो देवी का ही होने वाला है यार। फाइनली जो है इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद और मम्मी के साथ, मम्मी ने इतनी मेहनत करी यार, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं भाई, लोकेशन तक पहुँच चुके हैं, बस यहाँ जो सामने दिख रही है वहाँ पर पहुँचना है भाई, वहाँ पर पूरी फैमिली है इकट्ठा है, तो चलो फिर धीरे धीरे करके वहाँ भी चलते हैं। तो ये देखो भाई फाइनली अपन लोग लोकेशन तक पहुंच गए हैं और अपने पिज्जू जी छोटे ब्लॉगर जो है भाई जिन्होंने नहाना शुरू भी कर दिया है। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही था कि भाई शिखर फॉल तक अपन लोग पहुंच चुके हैं, अपनी मम्मी को लेकर के पहुंच चुका हूं, मतलब मेरी मम्मी जो है 60 की एज है, अबव 58 मतलब मान लीजिए। तो भाई जब मेरी मम्मी पहुँच सकती है तो भाई आप लोग भी पहुँच सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आराम से पहुँच सकते हो भाई। और जो व्यू है भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा भाई वो यहाँ पर नहाने के से लेकर के और कुकिंग तक का आएगा, तो भाई नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।